हे गाइस, मैं डी कुमार स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हमें पैसे देकर सब्सक्राइबर और व्यूज़ लेने चाहिए या नहीं। दोस्तों, आप वीडियोस को यूट्यूब पे हज़ारों वीडियोस को देखते होंगे जिसमें ये बताया गया होता है कि आप इतने पैसे देकर इतने सब्सक्राइबर और व्यूज़ को क्रिएट कर सकते हैं आसानी से, और जस्ट ऐसा हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो जानने के लिए इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना होगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल घंटे को साथ में ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर जाए और उस वीडियोस को आप आसानी से देख पाए। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, ये वीडियो अगर ज़रा सा भी अच्छा लगे तो उसे एक लाइक ज़रूर कर देना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिस हिंदू का खून न खौले, खून नहीं वो पानी है। जिस हिंदू का खून न खौले, खून नहीं वो पानी है। मातृभूमि के काम न आए वो बेकार जवानी है। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि आप अगर पैसे देकर सब्सक्राइबर और व्यूज बढ़ा रहे हैं, और जो लोग पैसे बिन पैसे के खुद से सब्सक्राइबर और व्यूज पाए हैं, इन दोनों में फ़र्क क्या है। तो दोस्तों, फ़र्क कुछ ऐसा है कि जैसे कोई हाई स्कूल या इंटर की एग्ज़ाम दे रहा है, वो नकल करके पास हो रहा है, और पहला बंदा नकल करके पास हो रहा है और दूसरा बंदा अपने दम पे पास हो रहा है, और पास दोनों हो गए तो खुशी सबसे ज़्यादा किसको महसूस होगी, जो नकल किया है उसको या जो खुद से अपने दम पे पास हुआ है उसको। तो फ्रेंड्स, रिजल्ट यही है कि जो अपने दम पे पास हुआ है उसको सबसे ज़्यादा खुशी होगी, और जो नकल करके पास हुआ है उसको तो होगी होगी लेकिन गर्व नहीं होगा, सिर्फ खुशी होगी। तो फ्रेंड्स, यही अंतर यूट्यूब पे है। अगर आप यूट्यूब पे पैसे देकर सब्सक्राइबर और व्यूज ले रहे हैं तो सिर्फ इससे आपका चैनल मोनेटाइज होगा और आपके चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा एड्स शो होने लगेंगे, बट उतनी खुशी आपको नहीं मिलेगी जितना कि खुद से मेहनत करके व्यूज और सब्सक्राइबर को पाते हैं लोग। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, उतनी खुशी आपको नहीं होगी, और प्लस आपको उतनी ज़्यादा मतलब अंदर से गर्व नहीं होगा, ये चीज़ नहीं लगेगा। बाद में अगर आपका चैनल बड़ा होता है तो आपको लास्ट में यही लगेगा कि मैंने पैसे देकर सब्सक्राइबर और व्यूज पाए थे। बाद में आपको थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होगी, और अगर आप बिना पैसे के चैनल को अपने अच्छे से व्यूज़ और सब्सक्राइबर को बढ़ा लेते हैं बिना पैसे के, तो जब आप सक्सेस हो जाएंगे तो क्या होगा कि कितना गर्व होगा आपको कि हाँ, मैंने खुद से किया है, किसी के भरोसे नहीं किया है, मैंने खुद से अपने व्यूज़ और सब्सक्राइबर को बढ़ाया है। कितना मतलब अपने अंदर से इतना अच्छा आवाज़ निकलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियोज़ में सिर्फ यही मैं आपसे डिस्कस करने वाला था। अगर ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना यार, और पेड़ वाला सब्सक्राइबर और व्यूज़ कभी मत ले, और कभी ना ले अपने यूट्यूब चैनल पे, क्योंकि वो चीज़ होता ज़रूर है ले बट ठीक नहीं है। अपने दम पे खुद से मेहनत करिए और अपने चैनल को आगे बढ़ाइए, ग्रो तो होगा ही होगा एक ना एक दिन। तो दोस्तों, पैसे देकर व्यूज़ और सब्सक्राइबर कभी मत बढ़ाना, ये चीज़ ठीक नहीं है, बेकार है। तो खुद से मेहनत करिए और अपने चैनल को आगे बढ़ाइए, आप ज़रूर सक्सेस होंगे। और पैसे देकर तो कोई भी सक्सेस हो जाता है, अपने से मेहनत किया हुआ चीज़ खुद से दिल से निकलता है जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। तो दोस्तों, आज की वीडियोस में बस इतना ही। लाइक करके जाना और साथ में सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना हमारे चैनल को। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए रखना अपना ख्याल।